नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन शौर्य स्मारक पर किया जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम मंत्री व अधिकारियों ने शिरकत की। वहीं सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को देश के जवानों पर गर्व होना चाहिए। हम चैन से इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीमाओं पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं। वहीं सीएम ने एनसीसी और एनएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश के हर स्कूल में एनएसएस और एनसीसी शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। तो भोपाल में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। वहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ तमाम मंत्री व अधिकारी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। वहीं कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। वहीं सीएम ने बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें देश के गौरव के बारे में बताया। वहीं लोगों से अपील की कि देश के जवानों पर हमें गर्व करना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी बात कही कि हर स्कूल में जल्द से जल्द एनसीसी और एनएसएस की पढ़ाई भी शुरू करवाई जाएगी, जिससे बच्चे देश के सैनिकों से इंदौर शहर में चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सराफा क्षेत्र में मौजूद एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के काउंटर से मोबाइल व नकदी भरे बैग को लूट कर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो इंदौर में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। वहीं आज एक मामला सामने आया, जहां मोबाइल की दुकान से चोरों ने एक बैग फरार कर दिया। वहीं यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। ये मोबाइल रिचार्ज करने की एक दुकान है, उसमें जो रिचार्ज करने वाले जो दुकान मालिक थे, वो शाम को अपनी दुकान बंद कर रहे थे। दुकान बंद करते समय उन्होंने अपना बैग, जिसमें रिचार्ज करने वाले मोबाइल और इनवर की जो बिक्री है उसकी नकदी रखी थी, बाहर काउंटर पर रख दिया था और वो कुछ अंदर काम करने में व्यस्त हो गए। इसी समय एक लड़का गली से निकला और उसको काउंटर पर से बैग उठा के चला गया था। जब सीसीटीवी फुटेज देखे तब इस घटना का पता उनको चला। खबर इंदौर से है, जहां राव बाईपास स्थित ओमेक्स सिटी में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि 6 चोरों ने रात में एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले तो चोरों ने परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की, फिर घर में रखे गहने व नकदी लूट कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। रतलाम जिले में लोकायुक्त जैन ने औचक कार्यवाही करते हुए अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा है। बता दें कि कार्यवाही में जावरा नगर पालिका की सीएमओ नीता जैन सहित पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत बाबू विजय सिंह शक्तावत को 18,000 रुपयों की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस उज्जैन ने पकड़ा है। बता दें कि सीएमओ नीता चौहान व विजय सिंह शक्तावत ने नगर पालिका जवारा के ठेकेदार पवन भावसार के पेंडिंग बिलों के भुगतान के एवज में रुपयों की मांग की थी, जिसके बाद ठेकेदार ने मामले की शिकायत लोकायुक्त जैन से कर दी। खबर सिवनी से है, जहां शास्त्री वार्ड में शराब के नशे में लिप्त एक शराबी ने अपने ही गृहस्थी के सामान में आग लगा दी। वहीं आग की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं शास्त्री वार्ड के पार्षद व मोहल्लावासियों ने फायर ब्रिगेड को बुलवाकर आग पर किसी तरह काबू पाया, पर आग के कारण शराबी के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। लोगों के मुताबिक शराबी अक्सर शराब के नशे में इलाके में बवाल करता रहता है। सिवनी से ये वारदात सामने आई, जहां शराब के नशे में लिप्त होकर एक शराबी ने अपने ही घर में
आग लगा दी। वहीं आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। समय रहते इलाके के वासियों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर आग पर किसी तरह से काबू पाया, जिससे कोई भी बड़ी क्षति नहीं पहुंची है। लव जिहाद के मुद्दे पर धार में हिंदू जागरण मंच के कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्ट्रेट सलोनी से मामले की शिकायत की है और बोला है कि उनको ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की गई है कि लव जिहाद के मामले पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन पर लव जिहाद कानून के लागू होने के बावजूद पुलिस प्रशासन लव जिहाद की धाराओं का उपयोग नहीं कर रहा है। हिंदू जागरण मंच ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि लव जिहाद के कानून को जमीन पर उतारा जाए और पुलिस अधिकारियों से इस कानून का सख्ती से पालन करवाया जाए। हिंदू जागरण मंच धार जिले की धार थाना इकाई और नौगांव थाना इकाई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया है। विगत 2-3 महीनों में ध्यान में आया था कि लव जिहाद के जितने प्रकरण मामले आ रहे थे उसमें इस कानून के लागू होने के बाद भी, 1 जनवरी से कानून लागू हुआ उसके बाद भी जो प्रकरण आए उसमें यहाँ के पुलिस प्रशासन ने उन लव जिहाद के कानूनों की धाराओं का उपयोग नहीं करते हुए दूसरी धाराओं में उनका कायमी करी और उस कायमी के हमने आग्रह भी किया। आज का समाज पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। नारी को घर, बच्चों और चूल्हा चौका तक सीमित माना जाता है और पुरुष समाज में ऐसी मान्यता है कि संघर्ष की जो क्षमता पुरुषों में होती है वह महिलाओं में नहीं। मगर इस देश में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो सफलता और संघर्ष के मामले में पुरुषों को भी मीलों पीछे छोड़ चुकी है। आज हम आपको ऐसी ही महिला से मिलवाते हैं जिसने अपने ससुर की तबीयत खराब होने पर दिल्ली में वीजा काउंसलर की नौकरी को छोड़कर ससुर की सेवा करने नीमच जिले के एक छोटे से नगर अठाना आ गई। यहां आकर भी इस महिला ने हार नहीं मानी और अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने आज सभी को प्रोत्साहित किया है। देखिए रिपोर्ट। ये कहानी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अठाना नगर की एक सफल महिला किसान मीनाक्षी धाकड़ की है, जो इस वक्त वीजा काउंसलर की नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन कर रही है। जी हाँ, राजस्थान की बेटी और मध्य प्रदेश की बहू मीनाक्षी दोनों ही प्रदेश की पहली मधुमक्खी पालन करने वाली महिला किसान बनकर दोनों ही राज्यों का गौरव इस वक्त बढ़ा रही हैं। उनका साहस महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। 50 बॉक्स के साथ शुरुआत करने वाली मीनाक्षी का कहना है कि भारत के कौशल विकास द्वारा मधुमक्खी पालन में 1 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद मधुमक्खी पालन की शुरुआत की। किसान के घर से संबंध होने से खेती बाड़ी का कार्य बचपन से ही देखा था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए नौकरी भी की। वहीं शादी के बाद उन्हें शहर से छोटे गाँव में आना पड़ा तो अपनी योग्यता और रुचि से स्वयं सक्षम बनकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का सोचा, ताकि स्वयं के साथ साथ गांव की महिलाओं और युवतियों के लिए आदर्श साबित कर सके। धाकड़ बताती हैं कि उन्होंने काफी सोचा समझा, उसके बाद मधुमक्खी पालन करने और शहद का व्यवसाय करने की सोची। मधुमक्खी पालन के साथ साथ खुद ने मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी उठाई। इसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र अंता से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और मधुमक्खी पालन की मूलभूत बातें सीखी और अपना व्यवसाय शुरू किया। मैं मधुमक्खी पालन यहाँ पे लगभग 1.5 साल पहले से कर रही हूँ और लगातार इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रही हूँ। और मधुमक्खी पालन करने के साथ साथ इसमें जितना मतलब शहद के साथ साथ कह सकते हैं कि शहद के साथ जो भी प्रोडक्ट्स और बन सकते हैं उसकी लगातार मेरी तैयारी चल रही है। वर्तमान में मीनाक्षी धाकड़ 350 से ज्यादा बक्सों में मधुमक्खी पालन का काम कर रही हैं। दूसरों को कच्चा माल देने की बजाय उन्होंने अपने खुद का ब्रांड दीर्घायु भव बनाया, जो स्थानीय बाजार और सोशल मीडिया के माध्यम से बेचा जा रहा है। इस तरह एक पारंपरिक किसान परिवार से होने के बाद मीनाक्षी धाकड़ भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। यह देखकर अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार में आने के लिए प्रेरित किया और करीब 7 से 8 महिलाएं भी मीनाक्षी के साथ काम कर रही हैं। सर, हम घर का काम भी करते हैं, शाम सुबह का रहता हो तो, और दिन में हम पहले तो हम खेत पे जाते थे काम करने के लिए,
और यहाँ हमको ये काम मीनाक्षी मैडम ने दिया तो यह काम भी अच्छा लगा, तो हम अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं सर। आकर हमको बहुत अच्छा लगा, ये काम बहुत अच्छा है वैसे, इसमें कुछ सीखने को मिलता है नया। कहीं ना कहीं जो है आप पढ़ाई भी कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम ये जॉब भी कर रहे हैं। जी सर। वहीं भविष्य में मीनाक्षी धाकड़ मधुमक्खियों से शहद के अलावा पराग वेनम रॉयल जेली का उत्पादन करने और शहद आधारित सौंदर्य प्रसाधन बनाने और विपणन करने की कोशिशों में लगी हैं। मीनाक्षी धाकड़ के इन प्रयासों की आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। साथ में मीनाक्षी के साथ सहयोग करने वाली महिलाएं भी आज मीनाक्षी से प्रेरणा ले रही हैं, जो कि अपने आप में बेहद सराहनीय कदम है। नीमच से प्राइम टीवी के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।